सना जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन वजह तुम हो के लिए, जिस तरह से 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन एक रिकॉर्ड आया है ट्रेलर से, सिर्फ ट्रेलर से। एंड तो कितनी एक्साइटेड है आप इस जो एक पहली सफलता को लिए, क्योंकि 10 मिलियन कुछ होता है अपने आप में। ऑफ कोर्स मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैं खुद खुशी से लाल हो चुकी हूँ। डेफिनेटली बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक जब एक फिल्म रिलीज़ होती है और स्पेशली जब उसका ट्रेलर पहला रिलीज़ होता है, ट्रेलर इज़ अ स्मॉल झलक ऑफ द फिल्म एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर लोगों ने ट्रेलर इतना पसंद किया तो आई एम श्योर वो फिल्म भी उतनी ही पसंद करेंगे जब वो देखेंगे, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट। इट्स अ थ्रिलर, इट्स अबाउट लाइव मर्डर ऑन टीवी। एंड आई थिंक जब एक जैसे जो ट्रेलर है, डेफिनेटली all the hard work and all the creative that is put in is by my director Vishal, and I think especially jo hamare editor hai Manish, I think he is so good. Maine itni sari cheeze dekhi hai film making ke time pe, jisse is movie mein I have been very involved in terms of post production also. To main jab post hota rehta hai, jab sound hota hai, mix hota hai, main hamesha jaake baith ke wahan dekhti rehti hu ki ye log kar kya rahe hain. And I think it's coming out amazing. We are finally ready with the whole film. I finished dubbing for the film, and let's see what happens. 2nd December is the release, so I hope that trailer ko jo response mila hai waise hi film ko bhi response mile. And lekin jab aapke paas film ki offer hui thi, kaha gaya tha ki ye sab cheeze hai film mein, tab aapka jo kya sab cheeze hai jo bhi hai, jaise erotic hai, intimate scene hai film mein, kaun ji, I you know this is very weird because I think hum sab industry mein hi hai, hum कोई अलग अलग फील्ड में से तो है नहीं, तो जब इंडस्ट्री के लोग ऐसे बात करते हैं, अरे वैसे वाले सीन्स वैसे, सो आई वंडर व्हाट नॉर्मल जनता विल टॉक, बिकॉज यू नो यू गिव देम अ रीज़न टू से ऐसे और वैसे, बिकॉज आई थिंक आज की तारीख में कई इनफैक्ट कई सालों से इतनी फिल्म रिलीज हो रही है दैट एवरी फिल्म हैज़ अ किस। आई डोंट नो व्हाई इज इट सो मच ऑफ हल्ला व्हेन स्पेशली विशाल मेक्स अ मूवी। आई थिंक जैसे विशाल की मूवी रिलीज होती है ऐसे सब पागल हो जाते हैं, क्यों ऐसा क्यों वैसा, विच इज़ वेरी वेरी वियर्ड। अभी भी बहुत सारी फिल्म रिलीज हो रही है, रिलीज हो चुकी है और जो होने वाली है, विच हैज़ किसेस, बट आई थिंक ये क्वेश्चन कभी वहाँ नहीं उठता है। आई डोंट नो वेदर यू गो एंड आस्क देम ऑल्सो द सेम थिंग कि जब आपको ऐसे बोला था तो आपने वैसे कैसे रिस्पॉन्स किया, सो दैट्स वेरी फनी। और मुझे ऑनेस्टली मुझे वाकई बहुत हंसी आती है जब हम ये सब बातें करते हैं, बट मेरा यही मानना जब हम फिल्म करते हैं, जैसे मैंने ट्रेलर लॉन्च के दिन भी कहा था दैट फिल्म इज़ ऑल अबाउट फैंटेसी, फिल्म में जो होता है वो रियल में कभी नहीं होता है, और वही चीज़ हम कर रहे हैं जो हर लोग हर फिल्म में करते हैं, और इट्स अ पार्ट ऑफ अ स्टोरी, इट्स अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस पर्सनल लाइफ। एंड आई थिंक टुडे वी आर वेरी ओपन टू वेस्टर्न कल्चर, वी आर वेरी ओपन टू वेस्टर्न फिल्म। हम वेस्टर्न फिल्म तो ऐसे दौड़ के भाग के देखने जाते हैं जैसे पता नहीं हमारा ही कोई इन्वेस्टमेंट उसमें लगा हो। सो आई थिंक वेन वी आर सो ओपन अबाउट एवरीथिंग, इट्स वेरी वियर्ड वेन वी यूज सच वर्ड्स एंड टॉक अबाउट अ फिल्म लाइक दिस एंड से के ऐसे और वैसे, बिकॉज आई थिंक वी ऑल हैव हर चीज़ का एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है मेरे हिसाब से यूज़ करने के लिए। एंड जब आप फिल्म देखने जाते हो, आजकल हर किसी को रियलिटी देखनी है, हर किसी को रियल स्टोरी देखनी है, और जाहिर सी बात है जब आपका बॉयफ्रेंड होगा और हस्बैंड होगा तो डेफिनेटली कुछ रोमांस होगा जो रियल होगा। एंड आई थिंक वही हमने हम जितना दिखा सकते हैं हम वही दिखाने की कोशिश करें। इमेज नहीं होता था कि इमेज लगी, बोल्ड इमेज लगी। नहीं, आई थिंक मैंने तो जय हो मैं कैमियो किया था, मुझे कैमियो तो नहीं मिल रहा ना अभी, विलन किया था इसमें तो मैं हीरोइन हूँ तो कैसे। मैंने मुझे एक चीज़ पता है, जिनको आपको काम नहीं देना होता है वो आपका इमेज बनाता है, और जिनको कुछ आपको नहीं देना होता है वो सिर्फ एक चीज़ देते हैं, वो है राय। तो आई थिंक मुझे वो डेफिनेटली नहीं लेनी है, और जिनको काम करना है और जो वाकई आर्टिस्ट और वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स में बिलीव करते हैं और वर्सेटैलिटी में बिलीव करते हैं, आई थिंक उनके लिए और एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जब कुछ करूँ थोड़ा नया करूँ। एंड आई थिंक लोगों ने मुझे जय हो में सिर्फ एक छोटे कैमियो में देखा है और प्लेइंग अ नेगेटिव एंड फ्यू रोल्स फ्यू सीन्स दैट आई हैव डन, बट नाउ दे विल सी मी इन अ प्रॉपर 2.5 आवर फिल्म, सो आई थिंक दैट्स अ ग्रोथ। और जब मैंने फिल्म साइन की थी, जब मैंने डिस्कस की थी या जब बातें हो रही थी, लोगों ने मुझे यही क्वेश्चन किया था आप कैटेगराइज नहीं हो जाओगी, बट आई थिंक हर किसी के लिए लाइफ और जर्नी और सिचुएशंस अलग होती है। जब मैं बिग बॉस में भी गई थी लोगों ने कहा था मत करो, काम खराब हो जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाए, बट आई थिंक फॉर मी बिग बॉस वर्क्ड, इट वॉज पॉजिटिव फॉर मी। सो आई थिंक मैं वही करती हूँ जो मुझे लगता है शायद मेरे लिए पॉजिटिव हो, और आई ऑलवेज बिलीव इट्स एन इंटेंशन। अगर आप हर चीज़ अच्छे इंटेंशन से और अच्छी नीयत से करो और अपनी जी जान लगा के मेहनत करो, आई डोंट थिंक एनीबडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, नॉट इवन कैटेगराइज यू। सलमान खान सर से कुछ आपको आई कॉम्प्लीमेंट्स कुछ?
मुझे पूरी इंडस्ट्री से बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आई है एंड डेफिनेटली नो ही इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंटेड मी और सेड एनीथिंग येट अबाउट द फिल्म बट एज आई मेंशन बिफोर सोहेल हैज मैसेज मी दैट ही लव्ड द ट्रेलर एंड फॉर मी एज एन एक्टर आई थिंक इवेंचुअली व्हाट यू सी इज़ दैट पीपल अप्रिशिएट योर वर्क दैट्स मोर देन एनफ क्या आप सलमान खान को ये फिल्म दिखाएंगे ऑफ कोर्स मैं सबको ये फिल्म तो थिएटर में रिलीज होने वाली सब स्पेशल स्क्रीनिंग का मैं सलमान सर को बुला के टी सीरीज स्क्रीनिंग में बिलीव ही नहीं करता है वो लोग कोई मूवी की स्क्रीनिंग नहीं रखते किसे नहीं बुलाते कहते जिन्हें भी मूवी के बारे में जानना और अपने रिव्यूज देना प्लीज थिएटर में जाके दो व्हिच इज अ वेरी गुड आइडिया ऑफ भूषण सो आई थिंक भूषण जी ने बहुत सुपर्ब चीज रखी है ये ऑफ नो स्क्रीनिंग ओनली अंटिल अनलेस यू नॉट मेकिंग अ बायोपिक और अ वेरी ह्यूज फिल्म सो आई थिंक जब लोग देखेंगे तो देखेंगे दिवाली आ रही है क्या प्लान्स दिवाली आ रही है तो यही प्लान्स है ऑफकोर्स फर्स्ट तो दिवाली अब है हम अपने मूवी प्रमोशन स्टार्ट करने वाले बहुत ही अच्छा टाइम है बहुत ही ब्लेस्ड वीक है ये सो आई होप कि एक तो हम ये अच्छा काम करने वाले जो प्रमोट करने वाले अपनी मूवी सेकेंड ऑब्वियसली ऑन पर्सनल लेवल आई थिंक मीटिंग माई फ्रेंड्स एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स ईटिंग फूड गोइंग आउट सेलिब्रेटिंग एंड being one family I think that's very important because jo mere best friends ka group hai we all come from very different religions so jab festival hota hai I'm so happy ki hum sab itne alag hai aur hum sab ek dusre ki khushi mein utna hi equal contribution de pate jo wo meri life mein dete aur main unki life mein deti hu so I think it's very exciting for me Diwali has always been very exciting festival koi aisa moment hai koi sa din hai jo Diwali mein kuch sab hua ho ऑनेस्टली सच बोलूँ तो ऐसे कुछ नहीं हमारे लिए स्पेशल आई थिंक स्पेशल वही होता है जो आप बनाते हो एंड आई थिंक हर साल हम स्पेशली फ्रेंड्स के साथ ऑब्वियसली हम कोशिश करते हैं कि हम क्या उनके लिए करें तो आई थिंक हर साल हम दिवाली में जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देती हूँ दिवाली में वो भी मुझे गिफ्ट देते हैं विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग एंड हम सब फैमिलीज़ के साथ अपनी अपनी फैमिलीज़ को लेके हम इतनी बड़ी फैमिलीज डिनर पे जाते हैं वी गो आउट फॉर फिल्म वी गिफ्ट ईच अदर व्हाटएवर वी वांट एंड व्हिच इज़ अ वेरी नाइस थिंग आई थिंक द स्पेशल थिंग एंड द डिफरेंट थिंग इज़ इवन दो इट्स नॉट माय फेस्टिवल पीपल स्टिल गिफ्ट मी ऑल माय फ्रेंड्स सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर दैट यू नो यू इक्वली पार्ट ऑफ दिवाली द वे यू नो वी आर ऑफ ईद सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा गिफ्ट लगा कि आप वाकई मुझे चाहिए था मुझे मिल गया कौन सा मुझे मेरे दोस्त हमेशा एकदम करेक्ट ही गिफ्ट देते हैं या तो कपड़े देते हैं या तो मेकअप देते हैं या तो शूज़ देते हैं सो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थिंग हमें पता है एक दूसरे को हमें क्या देना चाहिए तो हम जिसकी जो ज़रूरत होती है या जो इंसान एक हफ्ते पहले बहुत एक चीज़ के लिए रोता रहता है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए हम सोचते चलो यही गिफ्ट कर देते हैं सो आई थिंक दैट्स व्हाट वी डू बैक टू हमारे बिग बॉस पे बिग बॉस फिर शुरू हो चुका है जी 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 इस बार तो कुछ आम जनता जी जी जी, जी। देखा आपने वो शूट क्या कहेंगे आई थिंक मैंने सिर्फ आई थिंक लॉन्च देखा है वो भी आधा देखा है मैंने एक भी एपिसोड अभी तक देखा नहीं है आई वॉन्टेड टू सी मैंने मिस कर दिया कल फर्स्ट डे बट वेरी गुड कॉन्सेप्ट कॉमनर्स है एक्टर्स है बट अगेन अ वेरी डिफिकल्ट सीजन बिकॉज आई ऑलवेज फील व्हेन कॉमनर्स कम and when the fights happen they talk anything and that's the most scary thing for a celebrity because you don't know ki aadmi abhi kya bol dega aur bahut of course because jitne bhi gaye hai abhi aap ladko ko dekho wo sare television ke reputed names hai so I think it's easy to fight with an actor on screen being an actor but to fight with a commoner it becomes very difficult because it can get very dirty also or it can be very nice also so it's a learning process we can learn good things from people as well as we can have a bad image so I just hope that this season is good and it's not all about fight you know कुछ लोग कहते हैं कि बिग बॉस जो भी होती है स्क्रिप्ट होती है वो सारी और कुछ ऐसा है नहीं होता नहीं है पता है दिस इज टीआरपी के लिए सब ऑनेस्टली मैं जब बिग बॉस के अंदर गई थी मैं यही परसेप्शन के साथ गई थी कि ये शो बहुत स्क्रिप्टेड होता है मुझे कभी ना कभी लोग कुछ आके बताएंगे और अंदर जाके मैंने उस इंसान को इतनी गालियाँ दी है मन ही मन में क्योंकि ऐसी कभी नहीं हुआ मैं वेट करती रह गई सीजन खत्म हो गया और ऐसी कोई स्क्रिप्ट नहीं आई तो आई थिंक मैंने तब ये बिलीव कर लिया कि आई थिंक बिकॉज लोगों को ये बात हजम नहीं होती है कि एक एक्टर एक्टर के साथ ऐसे पागल की तरह कैसे लड़ सकता है जो मुझे भी पहले लगता था कि सेम फटर्निटी के एक ही साथ काम करता है बट आई थिंक इट्स वेरी रियल पीपल फाइट ऑन एनी थिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट दे कैन फाइट ऑन एनी थिंग जैसे अभी मैंने सुना है कि किसी ने किसी को एज पूछ लिया तो उस पर झगड़ा हो गया तो आई थिंक ऐसे बहुत सारी चीज़ें घर में पता नहीं क्यों हो जाती है बिकॉज घर में करने के लिए कुछ काम होता नहीं है तो थोड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स उनके लिए सिर्फ फाइट है और कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं तो आई थिंक वो लोग आपस में ही फाइट करके खुश हो जाते हैं फिर आपने फिल्म पे कैसा रहा एक्सपीरियंस सब सलमान जोशी जी साथ में ऑफ कोर्स बहुत अच्छा रहा जैसे मैं हमेशा से ही कहती आई हूँ जो मैंने फिल्म साइन की कि शर्मन इज़ अ वेरी अमेजिंग एक्टर ही इज़ बीन पार्ट ऑफ सच ग्रेट फिल्म्स एंड मैं हमेशा शर्मन को यही कहती हूँ दैट आई ऑलवेज लर्न
you know, lot of things from you in terms of acting, in terms of how to perform, because he's a very fine actor. Jahan tak Rajneesh and Gurmeet, I think they were very good and supportive co-stars. So I think I had a great time overall. समझ जी, जैसा कि हमने देखा कि ट्रेलर में हमने जितना कुछ भी देखा, जो इंटीमेट सीन देखा ये सब, या फिर गुरमीत के साथ में जो कुछ भी और बाहर भी बातें हो रही हैं, तो वो जब आपको स्क्रिप्ट में सुनाया गया कि इस तरह से आप लोग को सीन करने, तब क्या क्या हिचकिचाए आप? ऑब्वियसली हमें सुन के खुशी से पागल तो हो नहीं गई होगी, जाहिर सी बात है कि ओ माय गॉड, ये तो सीन और डालो, ये मेरा फेवरेट सीन है. ऑब्वियसली आप कोशिश करते हो, और जब आप प्रोजेक्ट में, आपको पता है, आप क्लैरिटी होती है कि पिक्चर में ये सीन है और ये करना है, बट बिकॉज ऑफ दिस सीन्स आई के नॉट लेट गो अ गुड स्क्रिप्ट. मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं इतनी शैलो हो जाऊं और अपनी सोच इतनी छोटी कर लूं और बोलूं ओह माय गॉड ये तो पाप है, ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगी, और या तो मैं सोचूं कि नहीं, मुझे एज अ एक्टर अपना अपने आप को प्रूव करना है, और शायद यही वो मौका है जहां पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू प्ले अ प्रॉपर लीड, बी अ प्रॉपर हीरोइन, एंड शो देम एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ टैलेंट, इन टर्म्स ऑफ रोमांस, इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, डांसिंग, आई थिंक एवरीथिंग. सो आई थिंक मैं सोची कि ऑप्शन बी इज़ बेटर, सो आई वॉन्टेड टू डू द फिल्म, एंड आई थिंक मेरे डायरेक्टर को मैंने ड्यूरिंग द फिल्म ऑल्सो आई टू कीप टेलिंग हिम कि यू नो थोड़ा सा किधर से तो ओमिट कर दो, थोड़ा यहाँ से निकाल दो. आई थिंक ही इज़ बीन वेरी सपोर्टिव, एंड आई थिंक वैन यू डू सच सीन्स एंड वैन यू आर पार्ट ऑफ अ फिल्म विच ऑल्सो हैज़ लिटिल अफेक्शन शोइंग फिल्म्स, so I think it's very important that you are with the right director and a right cameraman, because it plays a very important role on how you look eventually. कुछ एक 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 सवाल है. Big Boss में Big Baba आए हुए हैं. Baba Baba ने कहा है कि सलमान खान की लाइफ बदल देंगे. हाँ शादी करने आते हैं. Oh really? अगले साल. ये मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज सीखी है, बाबा बेबी किसी पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है. मेरे लाइफ में भी ऐसे बहुत यहाँ पे बाबाज आए हैं और बहुत सारी चीजें और लूट के गए हैं. ये सब सिर्फ यू नो पैसे लूटने की चीजें हैं. आई डोंट नो, देखो बहुत सारे लोग जेन्युइनली गिफ्टेड होते हैं, एंड आई हैव सीन दैट ऑनेस्टली ऑन अ वेरी सीरियस नोट. मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है जिन्होंने बहुत चीज़ें क्योर करी है, बट अनफॉर्चुनेटली अब इतने सारे नकली लोग आ गए हैं कि कभी कभी हम इतना जनरलाइज कर लेते हैं लोगों को कि हर किसी को एक ही नज़र से देखते हैं. पर अब वो बिग बॉस है, अब वो तो सारी पोल खोलेंगे, अब जब जैसे सीजन आगे जाएगा तब हम देखेंगे कि बाबा और क्या क्या करते हैं. बाबा के चमत्कार. फ्यूचर, वेल आई हैव स्टार्टेड शूटिंग फॉर टॉम डिक एंड हैरी रिटर्न, विच इज नॉट एन एरोटिक थ्रिलर, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, सो पीपल विल ऑल्सो सी अ डिफरेंट साइड ऑफ मी विच इज डूइंग कॉमेडी, विच आई बीन बेस्ट एट, एंड आई होप आई कैन डू इट वेल ऑन स्क्रीन ऑल्सो. सो आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, बिकॉज जैसे आप कह रहे थे, आप में से कोई कह रहे थे कि कैटेगराइज हो जाओगे, ऐसे कुछ हुआ नहीं. ऐसे कुछ हुआ नहीं है. आई थिंक जब ये फिल्म रिलीज़ होगी और उसके कुछ महीने बाद ऑब्वियसली एक कॉमेडी फिल्म रिलीज़ होगी, तो एज एन एक्टर आई रियली फील वेरी नाइस. दिस ईयर हैज़ बीन वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी गुड फॉर मी. आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी टू प्ले टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, सो आई थिंक आई एम रियली हैप्पी, एंड आई डोंट थिंक, एंड आई थिंक जिन्हें काम देना होगा वो डेफिनेटली सब चीज़ देख कर काम दे देंगे. क्या देखती हो फिल्म में? स्क्रिप्ट देखते हो, डायरेक्टर देखते हो, क्या देखते हो, या कैरेक्टर देखते हो? आई थिंक सबसे पहले जो मैं देखती हूँ वो है प्रोडक्शन, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जो हम फिल्म बनाए वो हम ना देखें लोग भी देख पाए. सो आई थिंक द फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टर्म्स ऑफ हाउ द फिल्म एंड्स अप लुकिंग, हाउ इट इज़ रिलीज, हाउ इट इज़ प्रमोटेड. सो फॉर मी फर्स्ट इज़ डेफिनेटली प्रोडक्शन हाउस, सेकेंड इज़ द डायरेक्टर, बिकॉज कभी कभी जब आप स्क्रिप्ट सुनते हो तो कुछ कुछ स्क्रिप्ट ऑनेस्टली समझ में भी नहीं आती है, और कुछ कुछ स्क्रिप्ट में लगता है ये क्या, मुझे समझ में नहीं आई, शुरू कब होगी, ख़त्म कब, यू नो ब्लैंक होती है. बट जो डायरेक्टर एक ट्रीटमेंट देता है, आपको लगता है यार ये कुछ अलग ही फिल्म बन गई. यू नो आई हैव सीन सच फिल्म्स, यू नो मेरी आंखों के सामने, जब मैं साउथ में भी थी और मुझे कुछ स्क्रिप्ट नरेट होते थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी फिल्म है और मैं क्या कर रही हूँ इसके अंदर. बट जब वो बन जाती थी, मुझे लगता था नहीं, यू नो शायद मुझे समझ में नहीं आया, बट जो ट्रीटमेंट था, आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द स्क्रिप्ट, आई थिंक इट्स अ डायरेक्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म, बिकॉज कभी कभी कुछ स्क्रिप्ट में इतना कुछ होता नहीं, बट अ डायरेक्टर मेक्स इट लुक सो नाइस एंड बिग. सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकेंड इज डेफिनेटली द डायरेक्टर, थर्ड इज माई स्क्रिप्ट, एंड देन फॉलोज द एक्टर्स एंड एवरीबडी. वाह क्या आवाज है, सब लोग मुड़ के देखे कौन है.
इंसान डर जाए कौन है। टोटल शूट आई थिंक हमने कुछ 35-40 डेज में किए ओवरऑल। मुझे तो ऑनेस्टली जब मैंने फिल्म स्टार्ट की मुझे लगा मुझे एक्टिंग ही नहीं आती है जो मैं बहुत कॉन्फिडेंस से गई थी अरे मैं क्या एक्टिंग करने वाली हूँ। आई थिंक जैसे फर्स्ट फिल्म लगा मुझे लगा ओह शिट ये मेरी फर्स्ट डेफिनेटली मेरी फर्स्ट फिल्म है बिकॉज आई थिंक जो मेरे डायरेक्टर विशाल है वो इतने क्लियर थे कि उनको कैरेक्टर्स के साथ क्या प्ले करना है। मतलब लिटरली जब मैं शॉट देती थी और मैं ऐसे करके ऐसे और ऐसे देखती थी वो मुझे आके बोलते थे ऐसे देखना वैसे मत देखना। मैं इतनी डर गई थी शूटिंग के स्टार्टिंग के टाइम पे स्पेशली जो मेरा मूवी में इंट्रोडक्शन है बहुत ही धार्मिक तरीके से हो रहा है वेरा सिंगिंग ओम भूर्भुव स्वाहा एंड मुझे ऐसे करके आग बंद करके सीन करने बोला था पता नहीं जैसे मैंने किया आई स्टार्टेड मूविंग लाइक दैट एंड दैट वाज लाइक सो फनी बिकॉज इवेंचुअली उन्होंने मुझे बोला आपसे ही नहीं होगा आप आग खोल के ही बोलिए सो एंड लिटरली एक असिस्टेंट मेरे नीचे बैठ के दो पैर पकड़ा हुआ था ताकि मैं हिलूँ ना फ्रेम से। सो आई थिंक ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें सेट पर हुई है एंड हंसते खेलते फिल्म कब खत्म हो गई ऑनेस्टली पता ही नहीं चला। नहीं आई एम मोर इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चन कौन सा मेरा फेवरेट गाना है। वेल सबसे फेवरेट गाना मेरा डेफिनेटली है टाइटल ट्रैक वजह तुम हो बिकॉज वजह तुम हो टाइटल विशाल के हिट स्टोरी 3 के एक सॉन्ग से आता है तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि लोग उसे भूल कर सिर्फ ये टाइटल और ये गाना याद रखें एंड इट हैज़ कम आउट सो ब्यूटिफुल मिथुन हैज़ डन द सॉन्ग एंड इट्स अमेजिंग। उसके बाद मेरा दूसरा सॉन्ग फेवरेट है ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा तो डेफिनेटली आइकॉनिक सॉन्ग है देव साहब का एंड आई एम श्योर पीपल आर गोइंग टू लव द सॉन्ग व्हेन इट कम्स आउट। वी आर रिलीजिंग द सॉन्ग ऑन 20th on YouTube and TV वजह तुम हो so guys enjoy it। मैडम जैसे कि आप लोग इतना नहीं नहीं मैं गारा नहीं गा रही हूँ उसमें लड़के ने गाया है लड़के ने आप भी शुक्र रखती है ना मैम दो लाइन अभी तुम्हारा सवाल कट अरे एक मिनट दे गाने हट गए अच्छा वो हाँ दूसरा है इस पिक्चर का हाँ ये भी मेरी पिक्चर में ही है तुमने ट्रेलर में क्या देखा अभी तुम्हारा क्वेश्चन नहीं वो ऑनलाइन में सबने ऑनलाइन ही 10 million व्यूज है ओके शू मैं गाना भूल गई हाँ वैसे भी ये रीमिक्स थी है ऑफकोर्स अभी मैं क्या कहूँ इसमें सबको ये गाना पता है पर ऑफकोर्स बहुत सुंदर सॉन्ग है क्या ऐसे ना मुझे तुम बोल क्यों रही हूँ ओके ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगी तुम दिल में चुरा लूँगी तुमसे दिल में छुपा लूँगी हे हे सो आई थिंक वेरी नाइस आई थिंक मेरी मॉम सबकी मॉम्स डैड्स का ये बहुत फेवरेट सॉन्ग है एंड आई थिंक वी डन फुल जस्टिस गाना बिल्कुल ख़राब नहीं किया है बहुत अच्छे तरीके से बनाया एंड आई थिंक पीपल आर गोना एंजॉय द सॉन्ग। हाँ हाँ पूछिए ना प्लीज है दिल प्लीज जी ना मैं क्या कहूँ रिलीज हो रही है तो हो जाए नहीं हो रही है मैंने भी सुना था पर मुझे लगा शायद ऐसे ही कुछ बोल रहे क्या कहूँ यार इट्स वेरी सैड बिकॉज आई थिंक जो मैंने प्रोमो देखा था इट वॉज वेरी 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 इंटिमिडेटिंग प्रोमो एंड आई थिंक आई यूज टू कीप सीइंग आई थिंक ऐश इज लुकिंग फैब अनुष्का इज लुकिंग सो गुड ऑल द एक्टर्स आर लुकिंग सो गुड बट आई जस्ट होप कि कुछ तो ऑल्टर होकर फिल्म रिलीज हो जाए आई एम रियली वॉन्टिंग टू सी द फिल्म टू बी ऑनेस्ट एंड आई रियली विश देम लक विद द वट एवर द प्रोसीजर इज हैपनिंग ओके ठीक है। आई वांट टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर हाय दिस इज सना खान एंड आई वांट टू विश ऑल द व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी दिवाली एंड अ प्रॉस्परस न्यू ईयर गाइस एंजॉय योर दिवाली एंड डोंट मिस आउट ऑन वॉचिंग वजह तुम हो।